में साल का पहला जलीकट्टू प्रतियोगिता शुरू हो चुका है। 15 जनवरी से 31 जनवरी तक चलने वाला जलीकट्टू प्रतियोगिता आयोजित हो चुकी है, लेकिन इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा हिंसा देखने को मिलती है। जहां पूरे देश में एक अलग ही माहौल चलता हुआ देखा जा रहा है, वहीं तमिलनाडु में आपको बता दें, एक तरफ तो पुलिस कर्मियों ने वो प्रदर्शनकारियों को धरना धरने से रोक दिया है, और वहीं दूसरी तरफ अब जलीकट्टू का ये त्योहार मनाया जा रहा है, जहां पर कई लोग जान गवा देते हैं और कई लोगों को चोट लग जाती है, जख्मी हो जाते हैं। बहुत कुछ इस त्योहार में होता हुआ देखा जाता है, लेकिन फिर भी हर साल की तरह इस साल भी जलीकट्टू मनाया जा रहा है। इस प्रतियोगिताओं को लेकर पहले भी कई सवाल खड़े किए गए थे कि तमिलनाडु में जलीकट्टू का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा दुर्घटना होती है, वहां सबसे ज्यादा लोगों की जान जाती है, लेकिन फिर भी साल दर साल ये त्योहार चलता ही रहता है, ये प्रतियोगिताएं चलती रहती हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर जो जलीकट्टू का त्योहार मनाया जा रहा है, इसमें सबसे ज्यादा 700 बैलों का इस्तेमाल किया गया है। पालामेड़ू में 650 बैल हैं, इस साल जलीकट्टू प्रतियोगिता में वो हिस्सा लेंगे। लेकिन आपको बता दें, जैसे ही आज से ये शुरू हो गया है ये त्योहार, ये प्रतियोगिता, ये कॉम्पिटिशन, और आज से ही ये दुर्घटना देखने को मिल गई है। कहा जा रहा है कि लगभग 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जलीकट्टू के दौरान लोगों के साथ दुर्घटना हुई, उनके चोट लगी, जख्मी हुए, और उसके बाद अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जलीकट्टू को लेकर हर बार सरकार के सामने यही कहा जाता है कि इस त्योहार को ना मनाया जाए और इन कॉम्पिटिशन को ना बनाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से लोग खुद ही अपनी जान को जोखिम में डालते हुए देखे जाते हैं, अब ऐसे में ये फिर से मनाया जा रहा है ये त्योहार। इसको लेकर आपका क्या कहना है कि जलीकट्टू पर बैन लग जाना चाहिए या ये त्योहार ऐसे ही मनाते देखा जाना चाहिए? क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देखते रहें SPN9 न्यूज़।